तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं महाशिवरात्रि स्पेशल सिंगाड़े की आटे की बर्फ़ी। सिंगाड़े की आटे की बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पे हमको चाहिए होगा आधा कप सिंगाड़े का आटा, जो मार्केट में बहुत ही इजीली तरीके से मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने आटे को थोड़ी छान लिया है, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पर हमने रख दी कढ़ाई। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच देसी घी। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें हमको बिल्कुल कम घी का उपयोग करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा घी जो है हल्का सा मेल्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम लो फ्लेम में सिंगाड़े के आटे को 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। इसको हमको ज़्यादा हाई फ्लेम में भूनना नहीं है। अगर हम इसको हाई फ्लेम में भूनेंगे तो यहाँ पे हमारे आटे का कलर जो है चेंज हो जाएगा, इसलिए हम इसको लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। तो यहाँ पर हमारा आटा जो अच्छी तरह से भून कर तैयार हो चुका है। इसमें एकदम सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगी है। इसको हम इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। इस मिठाई का टेस्ट बढ़ाने के लिए अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच इस तरह से डेसिकेटेड नारियल का बुरादा। तो यहाँ पे हमने बारीक वाला लिया है, आप भी बारीक वाला ही लीजिएगा, क्योंकि इससे बर्फ़ी जो है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम बुरादे को भी 1 मिनट के लिए इसमें अच्छी तरह से भूंजकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसको एक बर्तन में इस तरह से निकाल लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम इस आटे को ठंडा होने देंगे, तो हम इसको साइड में रख देंगे। वापस से हमने वही कढ़ाई यहाँ पे हमने रख दी है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध। यहाँ पे हमने फुल क्रीम दूध लिया है। दूध को हम हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से उबाल लेंगे, जब तक कि हमारा दूध जो है गाढ़ा नहीं हो जाता। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि नीचे से दूध हमारा चिपके ना। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध। इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसका बैटर जो है बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप इसकी जगह पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बैटर जो है बनकर तैयार हो चुका है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। साथ ही में यहाँ पे हमारा दूध जो है काफी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी। अगर आप मीठा ज्यादा कम करना चाहते हैं तो आप थोड़ी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी चीनी जो है मेल्ट हो चुकी है। साथ ही में यहाँ पे हमने जो बैटर बना के रखा था उसको भी हम एक बार इस तरह से चला लेंगे और बैटर को हम इसमें डाल देंगे। आप एक बार हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप जब भी इस तरह से मिठाई बनाएं तो इस टाइम पे आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर लीजिएगा और हम इसको डालने के बाद तुरंत ही लगातार एक ही डायरेक्शन में चलाते रहेंगे। साथ ही में यहाँ पे हम मिठाई का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। ये डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको फ्लेवर पसंद हो तो डालिएगा, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बर्फी का बैटर जो है बनना स्टार्ट हो गया, लेकिन हमको इसको 2 मिनट के लिए और पकाना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बैटर जो अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको सेट कर लेते हैं। इसको सेट करने के लिए यहाँ पे हमने इस तरह से एक बटर पेपर ले लिया है, साथ ही में इसको हमने चॉपिंग बोर्ड में रखा है। आप किसी भी ट्रे या थाली में इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बटर पेपर में पहले से घी लगा लिया है। अब यहाँ पे हम बर्फी को गार्निश करने के लिए इसमें हम डालेंगे इस तरह से बादाम को। यहाँ पे हमारी बर्फी बिल्कुल सेट होने के लिए तैयार है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 1 घंटे के लिए बर्फी को सेट होने के लिए रखा था। यहाँ पे मेरी बर्फी जो अच्छी तरह से सेट होकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम आपको बर्फी को काट कर दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसके साइड के कोनों को इस तरह से काट लेंगे ताकि हमारी बर्फी में एकदम अच्छा सा शेप आए। तो यहाँ पे हमने इसके साइड के कोनों को इस तरह से काट लिया है। अब हम बर्फी को भी इस तरह से बीच से काटेंगे और इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर शेप में इसको कट कर लेंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बर्फी को कट कर लिया है। यहाँ पे हमारी बर्फी का लुक आप देख ही पा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। आप पहली ही बार में एकदम परफेक्टली मिठाई जो है बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।